तो आज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। दिस इज तुषार लोहरा, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गो ग्रीन एंड क्लीन। लेट्स सी द टुडेज टॉपिक। इन प्रीवियस क्लास वी नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड वी नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल। आज हम कंपोनेंट ऑफ व्हीकल को देखेंगे। आपने बेसिकली देखा होगा ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स को, तो कुछ ऑब्जर्वेशन आई होंगी उसके आधार पर भी ये समझना बहुत आसान रहेगा। बाकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक बिहेवियर इंजीनियरिंग का पार्ट है। आपको डेली लाइफ में इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। आप जस्ट बस थोड़ा सा कंसर्न होना है और आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो यदि हम कंपोनेंट ऑफ व्हीकल की बात करें तो ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको कि पहला पार्ट है चेसिस एंड बॉडी, द सेकंड वन इज द मेन मेजर पार्ट दैट इज पावर यूनिट। अबाउट दिस यू विल स्टडी इन द डिटेल इन आईसी इंजन और इट मे बी इंटीग्रेटेड विथ थर्मोडायनेमिक्स। एंड द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड द ऑक्सिलरी सिस्टम। इन ऑक्सिलरी सिस्टम देर आर वेरियस अदर सिस्टम विच आर नॉट डिफाइंड इन द अबव थ्री, लाइक स्टेयरिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, और दे मे बी बी ए सब पार्ट ऑफ एनी ऑफ थ्री सिस्टम। देर विल बी नो रिजिडिटी। अभी आप इसमें देखें चेसिस एंड बॉडी, पावर यूनिट्स, ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑक्सिलरी सिस्टम, इसमें ऊपर के कई इसमें वो पार्ट्स हैं जो ऊपर नहीं, जिनका वर्णन ऊपर नहीं किया गया। आई विल लेट्स कम टू द चेसिस एंड बॉडी। दिस इज ए मेन सपोर्टिंग पार्ट ऑफ एनी व्हीकल। इन शॉर्ट दिस इज ए फ्रेम इज द स्केलेटन ऑफ कार विदाउट माउंटिंग, वेयर ए चेसिस इज ए माउंटेड फ्रेम। तो हमें आइडिया लग गया इससे कि चेसिस को हम बोल सकते हैं कि दिस इज ए माउंटेड फ्रेम, और एक फ्रेम के ऊपर व्हीकल के जब सब कंपोनेंट को माउंट कर दिया जाए, लाइक इंजन, स्टीयरिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, इन सभी चीज़ों को माउंट कर दिया जाए, तो यह एक जो इंटीग्रेटेड पार्ट है ये चेसिस कहलाता है। और यदि हम फ्रेम और चेसिस को डिफरेंशिएट करना चाहें तो इससे हमें समझने में भी आसानी रहेगी। तो फ्रेम क्या है? स्केलेटन ऑफ ए कार है। और यदि इस पर, यानी कि ये विदाउट द माउंटिंग्स एक स्ट्रक्चर है, वो फ्रेम है। यदि हम इस पर कंपोनेंट्स माउंट कर देंगे तो उसको हम बोल सकते हैं चेसिस, यानी कि चेसिस इज ए इनडायरेक्टली माउंटेड फ्रेम। नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट द बॉडी, इन पास्ट देर वॉज द डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स फॉर बॉडी एंड चेसिस, बट नाउ ए डेज वी हैव माइग्रेटेड टू यूनि बॉडी कंस्ट्रक्शंस। मतलब अब चेसिस एंड बॉडी को अलग अलग से नहीं रखा जाता। हमने आज के व्हीकल्स में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना ली है। तो ये क्या है, आपस में चेसिस और बॉडी इंटीग्रेटेडली माउंटेड होते हैं। और जो पहले की टेक्नोलॉजी थी कि बॉडी पहले स्ट्रक्चर बनेगी, देन बॉडी स्ट्रक्चर इज अटैच, दैट इज नाउ ऑल्सो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट। एंड दिस एक्सरसाइज में बी डन इन द डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म इन हैवी ड्यूटी कॉमर्शियल व्हीकल्स। नाउ द टर्म हैवी ड्यूटी कॉमर्शियल व्हीकल्स, इन प्रीवियस क्लास वी अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ टर्म्स, सो द कंटिन्यूटी इन दिस कोर्स इज मस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पावर यूनिट। पावर यूनिट बेसिकली हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो दिस इज एन इंजन। और नाउ एडेज देर आर ऑल्सो इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल देर इज ऑल्सो मोटर्स आर यूजिंग। सो एन इंजन और मोटर विच इज ए मशीन विच इज डिजाइन टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी इंटू द यूजफुल मैकेनिकल मोशन। वाई आई सेड वन टाइप ऑफ एनर्जी, इफ बिकॉज इन केस ऑफ इंजन एंड मोटर दिस विल बी डिफरेंट डिफरेंट। यह आप समझ चुके होंगे कि
I think you are enough mature to understand these terms. अब हम बात करें एक ऑटोमोबाइल की, तो जनरली अभी एट द प्रेजेंट सिनेरियो ब्रॉडली द हीट इंजन इज द पावर यूनिट ऑफ ऑफ ऑटोमोबाइल्स। सो अभी ट्रेंड आ रहा है, धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडली यदि देखा जाए तो इन ऑटोमोबाइल्स हीट इंजन इज द पावर यूनिट। Nowadays electrical motor are using to provide driving force and in previous class I asked from you that कि आप उस charging station का नाम बताएं, एक common facility जो इंडिया में खोली गई है electrical vehicles को charge करने के लिए, हाल ही में जिसको inaugurate किया था, तो यह facility दिल्ली में खोली गई है, तो जिसने answer दिया है वो अपना match कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की तरफ। तो ट्रांसमिशन सिस्टम का काम क्या है, इंजन से लेकर व्हील तक जो पावर है उसको ट्रांसफर करना, इसीलिए हमने इसको कहा ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये इंजन से व्हील के अंदर मोशन को ट्रांसमिट करेगी और बीच में जो असेंबलीज लगी होगी भी, तो इन असेंबली को मिलकर बनता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। इंजन ने आपका, अब वी विल सी इन सीक्वेंस कि इंजन ने आपका पावर जनरेट किया, वो इंजन से पावर स्टोर होगी फ्लाई व्हील में, फ्लाई व्हील से ट्रांसमिट होगी क्लच असेंबली को। अब बेसिकली क्लच का काम क्या है, इंजन को एंगेज और डिसएंगेज करना। इन ब्रॉड वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, हम क्लच को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और बेसिकली अभी आपको ये पता भी होना चाहिए क्योंकि जनरल है, आप जैसे कि मोटरसाइकिल तो आई थिंक सब लोग यूज करते होंगे, तो अब मोटरसाइकिल के अंदर देखिए आप जैसे ही क्लच प्रेस करते हैं तो उसके बाद आप पाएंगे कि आपका इंजन कट ऑफ हो जाता है, उसके बाद आप कितनी भी रेस दीजिए, कितना भी एक्सेलरेट कीजिए व्हीकल को, वो एक्सेलरेट नहीं होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इंजन का क्लच का काम इंजन को एंगेज और डिसएंगेज करना है। आप व्हीकल में पाएंगे अपने कि आप हमेशा क्लच दबाकर, इन मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम आई विल टॉकिंग अबाउट दिस, इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम देयर इज डिफरेंट मैकेनिज्म, वी विल डिस्कस लेटर दिस इन गियर बॉक्सेस एंड क्लच असेंबलीज। तो बात कर रहे थे हम क्लच असेंबली की, इसके अंदर चलिए हम बात कर रहे थे क्लच की। तो आपने टू व्हीलर में देखा होगा क्लच दबा के आप गियर को शिफ्ट करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं, इन रीजंस को आप जानने की कोशिश करें, आने वाले चैप्टर्स में तो हम पढ़ेंगे, मैं आपकी क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा हूँ साथ साथ में ताकि सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़े। देन वी कम टू गेयर बॉक्स ने क्लच से जो पावर मिला उसको आगे ट्रांसमिट करेगा, फिर ये थ्रू द प्रोपेलर शाफ्ट होते हुए डिफरेंशियल के थ्रू व्हील्स में ट्रांसमिट कर दी जाएगी। तो ये था ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रोसीजर कि इंजन से व्हील तक कैसे ट्रांसमिट होगी पावर। सो नेक्स्ट, ये मैं आपको टर्म बीच में एक बता दूं क्योंकि ये आपके थोड़ा यूज में आने वाला है जो आज को असाइनमेंट दिया जाएगा। तो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है और एक रियर व्हील ड्राइव होती है। फ्रंट व्हील, फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव, जब इंजन फ्रंट में माउंट हो और जो पावर है इंजन से वो डायरेक्टली फ्रंट व्हील्स को मिल रही हो। जब इंजन फ्रंट में माउंट हो तो फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, और जो पावर ट्रांसमिट हो रही हो वो रियर व्हील्स में हो रही हो और इंजन माउंट हो फ्रंट में, तो इसको हम कंप्लीट बोलेंगे फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। सो इस चीज का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट कम टू द ऑक्सिलरी सिस्टम। ऑक्सिलरी सिस्टम के अंदर सस्पेंशन सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है और स्टीयरिंग सिस्टम है। सस्पेंशन सिस्टम बात करें तो हमें सरफेस इरेगुलरिटीज और जर्क्स एटसेट्रा से बचाने का काम करता है। इन डिटेल वी विल स्टडी अबाउट दिस। इन ब्रेकिंग सिस्टम यू नो वेरी वेल, विदाउट द ब्रेकिंग सेफ ड्राइविंग इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक द लिविंग विदाउट द ब्रेकिंग सिस्टम। सो ब्रेकिंग सिस्टम का काम हमारा व्हीकल को प्रॉपर डिस्टेंस के साथ प्रॉपर टाइमिंग के अंदर स्टॉप करने के काम में
लिया जाता है। स्टीयरिंग सिस्टम में आप जानते हैं बेहतर, आप आज सोचें कि स्टीयरिंग सिस्टम क्या क्या काम आता है और इसको अपने असाइनमेंट में मेंशन करें कि स्टीयरिंग सिस्टम का क्या क्या यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द जनरल अंडरस्टैंडिंग विच आई एम ट्राइंग टू डेवलप इन यू। आफ्टर वेन वी विल सी द स्टीयरिंग सिस्टम, देन वी डिस्कस दिस टॉपिक इन ब्रॉडली। नाउ कम टू द असाइनमेंट फर्स्ट। हमने पिछली क्लास में आपको एक असाइनमेंट दिया था, अब उस असाइनमेंट की बात करें तो मैं एक एग्जांपल देके बताना चाह रहा हूँ। इट में भी पॉसिबल कि आप लोग उसको कोई कंफ्यूजन होगा, मेरे पास क्वेरीज आई कि कंफ्यूजन को लेकर, तो आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा बता दूँ किस प्रकार से आपको करना है। लाइक दिस पैरामीटर आपको डिसाइड करने हैं, आप इन पैरामीटर्स को कॉपी मत कीजिएगा। आप जब मार्केट में जाते हैं और एक व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स दिमाग में लेके जाते हैं वो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। अब इस मेंशन करने के बाद, जैसे कि इस एग्जांपल में दिया गया है सेफ्टी को वेटेज दिया गया है 20 का, यानी कि यदि मैं कोई वस्तु लेना चाहता हूँ तो उसमें मैं सेफ्टी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा, और उसके बाद फ्यूल इकोनॉमी को इसमें दिया गया है 15 वेटेज, तो मैं सेकंड वेटेज जो दे रहा हूँ वो 15 को दे रहा हूँ। फिर इसमें टाइप ऑफ फ्यूल, मिरर, सस्पेंशन सिस्टम, ड्राइवर स्पेस, नंबर ऑफ मेंबर, इनको अलग अलग टाइप के वेटेज दिए गए हैं। जैसे कि कलर्स और वेट मोड को मैंने बहुत ही कम वेटेज दिया है, 5-5 का इसमें वेटेज दिया गया है। तो इट मीन्स कि आई एम गिविंग प्रेफरेंसेस टू द सेफ्टी। सो बट ये नहीं है कि हम सिर्फ ओनली एक पैरामीटर को देखकर गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे को वेरियस पैरामीटर्स के हिसाब से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनानी है, जिसके बाद हमें एक कंक्लूजन पर पहुंचना है कि विच कार्स विल बी बेटर अकॉर्डिंग टू यू और अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर। सो यहाँ पर देखें कि वेटेज का टोटल किया, अब इसमें से इसमें 3 कार्स को उठाया गया है, लाइक स्कॉर्पियो, सफारी, डस्टर, और ऑनलाइन डाटा के हिसाब से कंपैरिजन किया गया कि सेफ्टी किस में ज़्यादा है। ऑनलाइन डाटा हो सकता है, ऑफलाइन डाटा हो सकता है, कुछ मैनुअल्स हो सकते हैं। अब जाएं और इसीलिए मैंने कहा था वही गाड़ियां सेलेक्ट करें जिनका डाटा इजीली आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर जिस प्रकार से सफारी और स्कॉर्पियो को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है कि सेफ्टी के मामले में ये दोनों ज़्यादा बेटर लगी डस्टर से, तो इट में भी पॉसिबल कि क्या क्या देखा गया हो, इनकी इनके हो सकता है कि पास्ट रिकॉर्ड्स देखे गए हों, एयरबैग्स देखे गए हों, रोल करने की जो ज़्यादा टेंडेंसी है वो किस टाइप के व्हीकल में है वो देखी गई हो। तो इस प्रकार से इसके अंदर भी आप वेरियस पैरामीटर, वेरियस डाटा को कंपेयर करें और उसके बाद में जो वेटेज आपने मैक्सिमम दिया है उसमें से कितनी खरी उतरती है आपकी गाड़ियाँ, उनको असाइन करें कि उन्होंने कितना उसमें से गेन किया मैक्सिमम वेटेज में से। तो आपका मैक्सिमम मार्क्स 160, मैक्सिमम वेटेज यानी कि टोटल जो वेटेज किया 160 है। इसमें से कौन सी कार है जो सबसे बेस्ट लाई है, तो इसमें स्कॉर्पियो का देखें कि 128 और सफारी का 114 और डस्टर का 97, तो ऑब्वियसली यू विल सेलेक्ट स्कॉर्पियो। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एक्सरसाइज। आगे आगे हम इसमें साइंटिफिक अप्रोच को डालेंगे और कॉम्प्लेक्स तरीके से कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाएंगे कि आप किस प्रकार से किसी को गाइड करें या खुद सेलेक्ट करें। तो टुडेज असाइनमेंट आई थिंक आपने इस मॉडल को देखा होगा, आपके कॉलेज में है। तो अभी आपको करना ये है कि आपको ये एक इमेज दिख रही है और इस इमेज में से आपको कंपोनेंट को पहचानना है और उस कंपोनेंट पर नंबरिंग करनी है और मुझे मेल करना है। आप चाहें तो इसी इमेज को एडिट करके इसी इमेज पे नंबरिंग कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें, और आप चाहें तो इस पर नंबरिंग करके एक लिस्ट बनाकर अलग से दे सकते हैं। तो आप इसमें से कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। यह ब्रेन एक्सरसाइज है आपकी। आज जैसे आपने कुछ पढ़ा तो आई थिंक कि आपको थोड़ा इजी रहेगा, मैंने कुछ बताया, और आज के लेक्चर का प्रॉपर आउटकम आ पाएगा यदि आप इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 2।
and you have to submit this on Google Classroom, WhatsApp or through the email. Whatever is the mode you like to prefer, you can prefer. So आप गौर से देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पर और इसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए. इट विल बी फार बेटर इफ यू कैन ड्रॉ ए लाइन डायग्राम फॉर दिस असेंबली. आप एक लाइन डायग्राम बना पाए तो और ज़्यादा बेटर होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंसली. आप ये असाइनमेंट अपना कंप्लीट करें और मुझे सबमिट करें. थैंक यू सो मच. अगली क्लास में हम कुछ प्रॉपर सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे और हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम को. थैंक यू सो मच. कीप कनेक्टेड.